क्या ऑफिशियल हैंडल ट्वीट कर रहा था, उन वीडियोस को, और चटकारे ले रहा था, मेरे कपड़े के रंग पर हल्दी कह रहा था, और आप मुझे यहाँ सफाई देने बैठे हैं। अगर ईमानदारी है तो आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरह के बर्ताव के लिए। आपकी पार्टी के वेरिफाइड हैंडल्स ने उसका मजा लेने की कोशिश की। जो हल्दी आज तक के चिरैया पर आरजेडी वालों ने बिहार में गिराया है, उसकी तिलमिलाहट मैडम अपने साथ दिल्ली लेकर पहुंच चुकी है और अपने साथ हुए खेला का पूरा हिसाब किताब एक करने की कोशिश में जुटी हुई है। बिहार में जो कुछ भी हुआ उसके लिए अंजना अब आरजेडी के नेताओं को अपने शो में बुलाकर ट्विटर फाइट का मैच खेल रही हैं और कोशिश इस बात की कर रही हैं कि किसी भी तरह से अपने साथ हुए मजाक पर मिट्टी डाल सके। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूँ सुम्बुलीरम। आज तक ने अंजना को जो तोप बनाकर बिहार रवाना किया था वो बिहार में ऐसा फटा कि आज तक सिर से लेकर पैर तक झुलस गया। अंजना से लाइमलाइट लाने की जितनी उम्मीद आज तक वालों को थी नहीं, उससे चार गुना ज्यादा लाइमलाइट अंजना ने लाकर आज तक को दे दिया। और इतने लाइमलाइट को संभालना कैसे है ये अब आज तक को भी समझ नहीं आ रहा। सो लगता है कि आज तक वालों ने इसका भी जिम्मा अंजना के ही कंधों पर डाल दिया है और अब अंजना आरजेडी वालों से भिड़कर अपने साथ हुए खेला और उसके चक्कर में मिली लाइमलाइट का हर्जाना माफीनामे के रूप में मांग रही है। आरजेडी के नेता को अंजना ने अपने शो पर भले ही मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन सवाल पूछने की बारी आने पर अंजना ने फौरन ही किस्सा अपने साथ घटित हुए चिड़िया और हल्दी कांड पर पूछ लिया कि आखिर आरजेडी के कैसे अपने आधिकारिक हैंडल से उस वीडियो को शेयर किया जिसमें अंजना के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे और तो और ऊपर से कैप्शन में भी अंजना के कपड़े के रंग का जिक्र करते हुए टिप्पणी की गई। और इसी बात पर तमतमाई अंजना ने ये लाइव शो में आरजेडी के नेता से माफी की मांग कर दी। क्या ऑफिशियल हैंडल ट्वीट कर रहा था उन वीडियोस को और चटकारे ले रहा था, मेरे कपड़े के रंग पर हल्दी कह रहा था और आप मुझे यहाँ सफाई देने बैठे हैं। ईमानदारी है तो आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरह के बर्ताव के लिए। आपकी पार्टी के वेरिफाइड हैंडल्स ने उसका मजा लेने की कोशिश की है। तो देखा आपने कि कैसे अंजना एक समय किसी महान द्वारा कहे गए कि कपड़ों को देखकर पता चल जाता और कई बातों की पहचान हो जाती है, जैसे बातों की वकालत करने वाली आज खुद अपने कपड़ों के रंग पर हुई टिप्पणी को लेकर बौखलाई हुई है। आपको अगर ये पूरा मामला अब तक नहीं पता है तो आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार बनने के दिन जब अंजना बिहार पहुंची थी तो गोदी मीडिया के खिलाफ वहां नारे लगने लगे और इसी घटना का एक वीडियो क्लिप आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि बिहारी उदाहरण के साथ इस विज्ञान को देश को समझा सकता है, बिहार उड़ती चिड़िया और हल्दी। इस ट्वीट का सामने आना था कि अंजना की बेइज्जती जंगल की आग बनकर फैल गई और इसे लेकर अंजना ट्विटर पर जबरदस्त ट्रोल हो गई और उस दिन पहली सबसे बड़ी खबर बिहार से बीजेपी आउट की थी और दूसरी खबर आरजेडी ने अपने ट्वीट से अंजना को ही बना दिया था। और भी आपने जो देखा वो इस पूरे ट्वीट पर अंजना की खींच थी जो वो आरजेडी के प्रवक्ता पर